चलो बड़ों में से कोई बताए कि जन्नत का जिक्र सुना है ना, क्या है जन्नत में? मेवे हैं और जो है नहरें पहाड़ हैं और दूध की नहरें बाप है। जन्नत असल में जब जी जी मदून कहीं आ जाएगा इसके मानव छुपा हुआ वो सब गहरे सब पत्तों से छुपे हुए बाग है, तो इसलिए उसको जन्नत कहते हैं। जन्नत बाग को भी कहते हैं और सब हरे रंग, अब जो हरे रंग से नफरत करता हुआ जन्नत में कैसे जाए, सब हरे रंग के पत्ते और छाए में और बात है और तरह तरह के फल हैं, मेवे हैं, महल हैं, मोती के महल बने हुए हैं। अब क्या मौसम है, जैसे सुबह का मौसम होता है तो जन्नत बहुत प्यारी है, बड़ी नेमत। और पहले जन्नत की खिदमत में भी बहुत लोग होंगे है ना, और दो का जिक्र सुना है बेटा अगर आप कचेंगे तो भी आपके सामने नाम लिए जाते हैं। दो दफ्तर दो दफ्तर ऐसा दो दफ्तर दो दफ्तर है नार का ज्यादा जिक्र आया है, ये दो दफ्तर क्या है बेटा, दो दफ्तर क्या है सुना है नाम सुना है, खड़े हो जाओ सारी दुनिया में देखे जा रहे हो, अपने आप को आईने में देखो खुश हो जाओ मेरा नाम नक्शा अच्छा है, बाल ऐसे करेंगे खुदा तो सब रोने को खुश आते हैं कि हमारे बच्चे कहते जन्नत में नहीं पता दो लाख का हमने तो कभी नहीं सुना। दो लाख किसको कहते हैं, जहन्नम सुना है क्या? अल्लाह का अल्लाह दो लाख जहन्नम इसका ज्यादा कुरान में जिक्र है नार से आग से, तो कभी कभी पूछे ना कि बहुत आसान लग रहा था कितना आसान जवाब, जन्नत क्या है बाग है फिर उसमें पहुंचे और दोजख क्या है आग है ना, तो जो बुरे काम करेंगे वो दोजख में भेजे जाएंगे जलाए जाएंगे। अब वो पेड़ में पढ़ना है वो इसलिए कि कोई जाना चाहेगा तो नहीं, तो उसको जबरदस्ती अल्लाह ने कसम खा के कहा है कि जहन्नम की जो ईंधन है वो आदमी और पत्थर है, जैसे यहाँ तपी जला देना इसी तरह आदमी जाने जाएंगे और पत्थर देखेंगे ताकि आपको जल्दी गर्मी कम ना हो। तब मारूफ का फिर अल्लाह ने छोटे बच्चे थे अम्मा के पास बैठे थे चूल्हे के पास, वो रोटी पका रही थी, एकदम उठ के वहां से चले गए घर से बाहर निकलते हैं, अम्मा ने रोटी पकाई देखा अम्मा रुक नहीं है, उनके अब्बा से कहा देखिए कहीं चले गए, जाके गली में देखा नहीं है मालूम मालूम का बात नहीं नहीं है, जरा मैदे से निकल के मैदान की तरफ है जंगल की तरफ है, तो वहां वो बच्चा रो रहा था बहुत रो रहा सत्य में गले में तो रो रहे थे। बाप ने जाकर उठाया बेटा क्या हो गया, गले से लगाया पिचकियां मार के रोते रहे, फिर पूछा कि क्यों रो रहे हो, कहा मैं अभी अम्मा के पास बैठा था उन्होंने चूल्हा जलाया तो मैंने देखा कि बड़ी लकड़ियां उन्होंने रखी और उसके बाद छोटी लकड़ियां उन पर रखकर पहले छोटी लकड़ी को जलाया, जब वो जल गई तो बड़ी लकड़ियां जली, तो मैं डरता हूँ कि ऐसा ना हो कि दो दफ़ा में पहले बच्चों को जलाया कि पहले छोटी लकड़ियों को जलाते वो कर छोटी लकड़ी के देंगे उनका नाम ही मुश्किल हो गया तो मालूम है कसरी और कौन है जिन्हें बोलता है पीरों के पीर को वो उस बाप के पीरों के पीर हुए, ये बचपन मामूली नहीं है, अगर तुम डर जाओ तो शराब छोड़ दो और नहीं करोगे तो मैं तुमको पहचान लूँ तुम शराब करो तुम शरीर हो। उस बच्चे को वहां से उठा तो आया है तो चला गया चला गया, वो हरि कमीशन वाला चला गया देखो वो दीवार के पीछे बैठा था, फिर उसको बुलाया यहाँ बुलाया यहाँ बुलाया, वो बैठ गए और धोखा देके उठ के चला गया। और ये भी सूरह नूर में जिक्र हुआ है कि मेरे महबूब की महफिल से बगैर इजाजत के जाया करो और किसी के पीछे होके न जाया करो, अल्लाह अकबर, किसी की पीठ का साथ लेके
महफिल से उठ के चले गए, अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र किया है कि तुम समझ में हुजूर नहीं देख रहे, अल्लाह तो देख रहा है, वो तुमसे बातें कर रहे हैं और तुम किसी के पीठ से पर्दा करके चले गए। ये कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया कि आदाब मजलिस में भी है और ये तुम देख लो अपनी जिंदगी के अंदर, वो देख लो कि वो बच्चा नहीं बैठा, चला गया, क्योंकि अब तक किसी ने उसको डायट कहा नहीं है ना, अम्मा अब खाने पीने की फिक्र है, बस खिला दो पिला दो स्कूल में। तो ये अखलाक की तरबियत है, परवरिश। और सब चाहते हैं जब महफिल में आ जाए तो तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से अच्छे होके जाओ, शरीर मशहूर ना हो बल्कि मजलूम, वो भी गुजर चुका, तुम बहादुर भी मशहूर ना हो। बहादुर मशहूर ना सड़क पे होता है, दुश्मन के मुकाबले में होता है, डरपोक रहो। वो जिक्र आया था कुछ लोग होंगे कि जो जन्नत में जा रहे होंगे, उसी महल में जन्नत में जा रहे होंगे, तो वो जन्नत वाले कहेंगे कि तुम भी तो हमारे साथ देते थे, तुम क्यों जन्नत में जा रहे हो। तो उन्होंने कहा जब झगड़ा होता था तो हम डर के अपने घर में चले जाते थे और तुम फितना फसाद में शामिल होते थे, तुम मारपीट में शामिल होते थे और हम उस वक्त मुश्तकीन थे, हम डर के अपने घर में कि हम लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे। तो लोगों ने बेवकूफ और डरपोक कहते थे, तो डरपोक बनना दोस्त को दिखाने के लिए दादा की बहादुर नहीं बनना, कि मैं कैसे बदलूँ, मैं तो ताकत है मेरी, तो मैं तो मार देता हूँ, मैं तो डरता नहीं। नहीं नहीं, डरना है सबसे पहला तकवा का माना, डरना है। ये कुरान को हिदायत देगा जो अल्लाह से डरने वाले होंगे, मुत्तकी को डरना नहीं परहेजगार। अगर कुरान परहेजगारों को हिदायत दे तो गुनहगारों को देगा, ये तो काफिर को भी हिदायत देता है। तो पढ़ के तो देखें, सिर्फ इतना करें कि अल्लाह से डरे, अपने अंजाम से डरे, ये मालूम करना चाहे कि हमारा क्या होगा। मुख्तसर अर्ज करता हूँ कि जन्नत और जहन्नम को आप समझ लो कि जन्नत बाग है, चैन का रहना है, जिनके वो बाद नीचे नहरे रवा, और जहन्नम आग है, जलाना ही उसका काम है, और जलाने वाली चीज है उसमें जो कुछ भी डालो वो जलता चला जाता है। तो अब रात को सोने से पहले एक मिनट को सोचना, मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नत में हूँ, और ये मेवे हैं और ये चीज़ें हैं और महल है और फूल फल है, सब कुछ है, ठीक है। और फिर थोड़ी देर के सोचना कि मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है, आग है, सांप है, बिच्छू है, अब तुम किस में रहना पसंद करो। अगर तुम आग में रहना पसंद करते हो तो बेशरारत को जो मर दिया जाए, और अगर चैन के बाबों में रहना चाहते हो, आराम सुकून चाहते हो, तो फिर वो काम करो कि जन्नत में जाओ। कितना अपने आप ने अपने आप से बातें करनी चाहिए। अल्लाह ताला ये तो बहुत तफसील से बयान किया, बयान नहीं कर सकता, यहाँ तक के फौश बातें, गाली गलत का गालियाँ बकना, गाली गलोच करना, तस्वीरें, बेहुदा तस्वीरें छापना छपाना, फिल्में वो करना, कार्टून देखते देखते बच्चे क्या देखने लगते, बल्कि कार्टूनों में भी क्या क्या फिल्में आ जाती, और फिर जो इंडियन फिल्म लग गई बच्चे देख रहे थे वो मार भी उसमें, फिर वो जो कोई बुरानियत है अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, इन नजीना जो है ऊन तशिया फाहिशा, जो फहश करना तो और बात है, जो फहश काम की इशाअत करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, फिल्में बनाते हैं, देखते हैं दिखाते हैं, चलो फला फिल्म आई देखनी तो
तुमको पता चलेगा अल्लाह जल्ल जलालुहु मौला बालों ने अपने इस कलाम अजीम में कितनी सादा और हल्की नहीं कह सकता, कितनी सादा बातें भी बयान फरमाई है। बातों की जो ईमान बात फिर लजीना आमन, फिर लजीना आमन क्या मान ईमान वालों में, जो ईमान वालों में फहश बातें फैलाना चाहते हैं लहुम अज़ाब अलीम फिर दुनिया और आखिरत वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। दुनिया और आखिरत में उन पर अज़ाब है, दुनिया सुकून से नहीं रह सके जो फहाशी करते हैं और फहाशी पेशाब करते हैं। हमने उनको कभी सुकून से रहते नहीं देखा, उनके अपने घर टूट जाते हैं, अपनी बीवियां भाग जाती हैं, बेगर्ती की जिंदगी हो जाती है। तुमको लगता है कि करोड़ों की फिल्म बन गई और 100 करोड़ 200 करोड़ के उसमें आई इज्जत वो नाम सुन पैसे सुन सुन के गरीबों के बच्चे उनको हैरत से देखते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, बड़ी तकलीफ से बोल रहा हूँ, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई मेरा एक बच्चा अच्छा बन जाए। तो जो फाहश बातें करते हैं उसकी शाद करते हैं, यहाँ तक ईमान वालों में जो खराबी फैलाते हैं, तुम तो फाहश बातों को इतना हालत में जानता हूँ कि तुम उन फाहशियों को भी समझते हो जो बड़ों के लिए फाहशी होती है। ये बच्चे सब फिल्में देखते हैं, सब समझते हैं मर्द औरत कैसे गले मिल रहे, कैसे आधे कपड़े पहने हुए, सब पता है। लेकिन तुम इतना ही समझ लो कि जो तुम गाली बोलते हो, आपस में दूसरे को गालियां देते हो, फहश कलाम करते हो, तुमको दुनिया और आखिरत में अजाब होगा। गाली बोलने वाले बच्चों तुमको दुनिया और आखिरत में अजाब होगा। अल्लाह कह रहा है सख्त अजाब दूंगा दुनिया में भी आखिरत में। जुबान से बुरी बातें न निकालो, चुप हो जाओ। अल्लाह खुश रखे कुफले मदीना वालों, इतनी प्यारी प्यारी बातें इन्होंने तब्दील के पैराए में की हैं। ये अल्लाह का नाम है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो फाह बातों की तब्दील करेगा उसको दुनिया आखिर में सख्त अज़ाब होगा। फिर वो ये मैं कभी नहीं, मैंने तो करवटें बदलते हुए देखा है मज़ामीन को, अभी इतना सब बयान है और फिर अल्लाह फरमाए वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहू अन्नल्लाह रऊफुर रहीम। मगर ये कि अल्लाह का फजल रहमत भी है ना, और अगर अल्लाह का फजल रहमत हो क्यों नहीं हो, क्योंकि वो रऊफुर रहीम है, वो बहुत माफ़ करने वाला है। बस ये ऐसा करो कि तुम शैतान की पैरवी न करो, या ऐसा नाम दाता तुम होता बात है शैतान, शैतान के पीछे न चलो, पैतान शैतान की बातें न मानो जो फहश और मुनकर बातों की तब्दील करता है। अल्लाह ताला फजल करम से नेकियों की तरफ बुलाता है और फिर जाता है तुम्हें फुर्सत दे तो खर्च करो और मसाकीन और महाजरीन में। और जो अगर तुम कोई किसी से गलती हो जाए माफी चाहे तो माफ कर दो और उनकी इस्लाह करो। मैं सिर्फ हजरत पॉइंट्स का भी खुलासा बयान कर रहा हूँ क्योंकि टाइम काफी हो जाता है। काम की बात यह है अगर आप उर्दू के अल्फाज कबूल कर लेंगे और आप भी तो मकसद हासिल हो जाएगा गुफ्तगू का। अल्लाह ने फरमाया कि माफ कर दो और माफ करके अल्लाह अकबर छोड़े नहीं, माफ करना तो माफ करें उसके बाद इस्लाह भी करें और दरगुजर करें, उस बात का अदा भी ना करें, किसी की गलती को बार बार दोहराए नहीं, माफ करें दरगुजर करें। अला तुहिबून अन यग़फिर अल्लाहु लकुम वल्लाहु ग़फूरुर रहीम, भाई तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे तो अल्लाह ने कहा तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे तो तुम भी लोगों को माफ करो। अल्लाह कितनी बड़ी बात है, ऐ कमल हाकिमीन अल्लाह ताला की अज़मत को दिल में रखकर सुनना कि कौन तुमसे कह रहा है। कोई दुनिया का बड़ा आदमी नहीं कह रहा है मुझसे माफी चाहते हो तो फर्क को माफ करो। अल्लाह फरमाता है अपने जो बारे में खता हो जाए और उनकी मदद करो ये करो, फिर भी अगर किसी से तुम्हें आई दिल शिकनी हो जाए कुछ हो जाए माफ कर दो दरगुजर करो।
तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे तो तुम उनको माफ करो। ये है सुभान अल्लाह। और जो लोग इल्जाम लगाते हैं, ऐब लगाते हैं, उसके उनका जिक्र है तो उनको भी आखिरत में बहुत अल्लाह का जो ने औरतों पर ईमान वाली औरतों पर अफवाह के तोहमत लगाते हैं, 100 साल की भी पाकीज़ा जिंदगी हो और लोग किसी एक मरतबा किसी दूसरी पाकीज़ा जिंदगी में इल्जाम लगा ले तो 100 साल की इबादत ज़ाया हो जाएगी। मामूली न समझो, 70-80 साल तस्बीह है उस इरादे सदे करते हुए गुजरे और एक मरतबा तुमने किसी औरत के बारे में कह दिया वो ठीक नहीं है, मुझे अच्छी लगी, उसमें कुछ खराबी नहीं। रिश्तों के बारे में पूछा जा रहा है, आपने एक बात ऐसी कह दी कि उसका रिश्ता रुक गया, सारी जिंदगी की इबादत ज़ाया हो जाएगी। और ये हमारे बूढ़ों में बात बहुत होते हैं, खानदान में जो जलाली बाबा बने होते हैं वो बच्चियों पर बहुत इल्ज़ाम लगा देते हैं, किसी की शोखी देकर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, किसी पर ऐब लगाना ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। पैर पर्दा पोशी करना चाहिए लेकिन ऐब नहीं, किसी पर बहतान नहीं लगाना चाहिए। फिर अल्लाह सूरह नूर में यहाँ तक के आदाब सिखाए हैं कि घर में ज़्यादा दिन बगैर नहीं जाना चाहिए, फिर वो कुछ वक्त भी बताए हैं खुसूसन सुबह से पहले, दोपहर के बाद जब आराम करते हो, इशा के बाद, इतनी तफसील से अल्लाह ताला ने घर में आने जाने के आदाब सिखाए हैं। और फिर दरमियान में कितनी अजीम आयत अजीम है, मैं अपने गुफ्तगू को इसके सब समेट सकता हूँ, ये सारी बातें हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा जो फरमाई है हमारे लिए तो यही सहारा है और इसी ने हमें खींचा है, अपनी तरफ खींचा है। وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والوں تم سب توبہ کرو، لوٹو اللہ کی طرف، اللہ توبوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی طرف لوٹو، سب کے سب توبہ کرو اللہ کی طرف تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور ایک جملے میں سمجھ لو، اچھا سوا لنگر ہے کھائیے کیا ہے، بچوں لنگر کی ہے، لنگر کے بغیر نہیں جانا، آج تو مٹھائی بھی ہے شاپ کے بعد کی ساس ہو۔ یہ آیت بہت بڑی آیت ہے، مطلب اس لحاظ سے کہ ہم کو ایک آواز مل گئی ہے، جیسے اذان ہوتی نا ہی السلام الفلا، ایسے بلا کی آیت بلا رہی ہے کہ ایمان والو آؤ، سب کے سب آؤ اور توبہ کرو۔ اور توبہ کیا ہے؟ کافر کی توبہ کفر سے، خوشی کی توبہ شرک سے، گنہگار کی توبہ گناہ سے جس میں وہ ملوث ہے، اور وہ جانے رب جانے، ہر آدمی سارے گناہ تو نہیں کرتا، جو وہ گناہ کرتا ہے اسے چھوڑ، اگر گناہ گار نہیں ہے اور آپ بھی تو زاہد ہے عالم ہے، پھر ایک توبہ رہ جاتی ہے کہ اگر وہ بے ادب ہے، اگر وہ اللہ اس کے رسول کی تعظیم نہیں کرتا، اللہ والوں کا ادب نہیں کرتا، تو اسے بے ادبی سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ بے ادبی بچوں بہت بری بات، ساری نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں یہ نہیں کہ کافر مشرک ایمان والے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر وہ بے ادبی کرے، تعظیم میں کمی کرے، اپنی عقل سے حضور کو سوچے، جی کوئی اہل بیت اتحاد کی تعظیم نہ کرے، کوئی صحابہ کی تعظیم نہ کرے، تو یہ بھی بے ادبی جو ہے وہ ساری محنت کو ضائع کرتا ہے۔ اور اگر تم مانو تو ادب سکھانے والے تو ایسا سکھا دیتے ہیں کہ ہم فاتح نہیں کر پاتے۔ اللہ اکبر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اس وقت میں نہیں پہنچ سکتا نا، جب یہ آپ نے سمجھا کہ جو برے لوگ ہیں عمروں کے لیے جو اچھے اچھے اس کے معنی صحبت کے لیے نا، اللہ اکبر، جن کو حضور کی صحبت ملی اور جو اچھی حضور کی صحبت ملا وہ کتنے اچھے لوگ ہوں گے۔ کیونکہ جی کا لگنا جو ہے نا یہ بتاتا ہے مقناطیس سے، ایک بار برادہ بنا لو، لوہا بھی ہو لکڑی بھی ہو پلاسٹک بھی ہو، اور وہاں مقناطیس لاؤ تو جو لوہا ہوگا وہ چپک جائے گا، تو جب حضور تشریف لائے تو جتنی پاک روح اتنی حضور سے چپک گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنی نیک طبیعتیں تھیں، جتنی پاک روحیں تھیں، جتنے اچھے لوگ تھے سب حضور سے نپٹ گئے۔
अल्लाह। और जो घर वाले थे उनका तो आलम ये है, अभी मैंने बताया था काफिर मुनाफिर शैतान सबसे बड़ा दुश्मन तो शैतान है, और उसको पहचानने के लिए भी क्योंकि नजर नहीं आता है तो अपने अंदर देखना होता है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, अच्छी बात सोच रहा हूँ गलत बात सोच रहा हूँ। तो आप मुझे एक बहुत अच्छी जगह पर एक नौजवान परेशान समझ आया, तो मैंने पूछा क्या बात है, कहा नहीं मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा नहीं मुझे बताओ, मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा नहीं मुझे बताओ किधर आओ। फिर उसको गुम्बदे शरीफ साए में मिला था लेकिन बहुत परेशान फिर रहा, तो मैंने उसको कहा आओ क्यों परेशान हो, कहा नहीं मैं नहीं बता। मैंने कहा मुझे मालूम है लेकिन तू मुझे बताओ, कहा नहीं मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा दिल में बुरे ख्याल आ रहे क्यों गया, कहा तो मैं इतनी मुश्किल से मदीना शरीफ पहुँचा हूँ और जब गुम्बदे शरीफ देखा तो मेरा दिल बिल्कुल ही खराब हो गया है और पता नहीं क्या क्या मेरे दिल में आ रहा है। मैंने कहा ये तुम नहीं हो, ये शैतान है। तुमने कभी सोचा था, क्या मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं तो यहाँ इतनी मुश्किल से पहुँचा हूँ और मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो मेरे ख्याल बहुत गंदे गंदे आ रहे। मैंने जूस पीने साथ ले गया, मैंने कहा तुम नहीं हो, ये शैतान तुमको मायूस करके यहाँ से भगाना चाहता है, अगर तुम यहाँ चिपक गए तो फिर कुछ से कुछ बन जाओगे। ये वो जगह है जो बख्शीश की जगह है, तो तुमको यहाँ से मायूस करना चाहता है, ये क्या देंगे ये क्या करेंगे, ये तो खुद अस्तगफुर कह सकता जो वहां तब्दील करते रहेंगे। ये नहीं कि आपके अंदर के ख्याल, अच्छा तुम कबर है तो फिर इतने सालों के साथ तो इंतकाल हो गया, ये कबर हो गए कबर में हो गए, अब क्या है। अल्लाह मुझे माफ करे, अरबी मुबल्ले वहाँ के तनख्वाह लेने वाले कहते माहिना कुल्लु हजर मा मोहम्मद इल्ला बशर, मोहम्मद क्या बशर है, अब क्या है मिट्टी है कुछ भी नहीं, अस्तगफुरुल्लाह। तो एक आम आदमी जो हमारे साथ सफर में बड़े बड़े पोस्टर भी रहे, एक साहब हमारे साथ सफर में थे, तो वो जहाँ जाते किसी बुजुर्ग के कब्र में पैसे थे, ये लकड़ी की बनी हुई है, ये माता की बनी हुई है। मैं हंसा, मैं देखा हजरत हम कब्र की वजह से नहीं आते, मकबूल की वजह से जो यहाँ आराम फरमा उसकी वजह से आते। तो खैर उनके कुछ समझ में आते समझ में आते। एक जगह इमाम यूसुफ की कब्र पे अल्लाह अकबर कारमे शरीफ में इमाम आजम हनीफा फिटे की तकलीफ करने वाले उनकी कब्र पे ऐसे ऐसे देखने लगे, खड़े खड़े देख रहे थे, लकड़ी की है ये पत्थर की है, जैसे छुआ चीख मारी अल्लाह फिर गया रोना शुरू हो गए, उन्होंने करंट मार दिया हुआ था, तो रो रहे रहे निपट गए। तो मैंने कहा पता चला कि कब्र क्या होता है, अब उनको और ख्याल हो गया, मैंने पक्का ही कर दिया कि भाई खुश हो जाओ। तो कह रहे मुझे हिदायत मिल गई यहाँ से, मैंने कभी भी मिल गई लेकिन अब मनी रहेगा कह रहे हजरत मुझे यहाँ से हिदायत मिल गई। मैंने कहा बिल्कुल मिल गई आपको, मगर आप इसी अकीदे में रहना कि कब्र वाले की हिदायत दे देते। तो बार दफा ऐसे ख्याल आते हैं इंसान को यकीन नहीं होता कि मैं हूँ, और मैं आज ये बता रहा हूँ कि अक्सर जो तुम्हें ख्याल उलाते आपके आते हैं वो असल आपके नहीं होते, वो शैतान आपके दिल में डालता है, तो उसके उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, उसे बचना चाहिए। फिर बुरी सोबतें होती बुरे लोग होते हैं तो उनसे बचना चाहिए, नेक लोग भी सोबत में रहना चाहिए। अल्लाह अकबर। बच्चों में क्या बताऊँ, ये हमारा वजूद है ना, वजूद एक तो जिस्मानी वजूद है, एक रूहानी वजूद है, रूह है, एक हिस्सी वजूद है, सेंसेस महसूसात का वजूद है। आदमी पूरा उसमें बनता है, उसका एक वजूद बनता है, महसूसात का एक वजूद बनता है। अब तुम ऐसे नहीं समझ सकोगे, यूं समझो एक बच्चा पैदा हुआ इंसान जिंदगी थी माँ बाप खिलकत का सबब, उसके बाद उसकी जो जिंदगी है दवाई जिंदगी की नशो नुमा किस चीज से होती, मैं क्या करूँ, तुम लोग उर्दू है ही नहीं ना कुछ भी नहीं।
कुछ भी पूछूंगा ये बच्चे तो नहीं बता सकते, 12 साल के 18 साल का भी नहीं बता सकेंगे। तबई दशरथमा समझते किसको कहते हैं, तबई दशरथमा, तबई दशरथमा, तबई दशरथ ये बेतुल खला में जा सफाई से कराई, बेतुल खला में जाना जिस्मानी नस्ल। लेकिन आप ये जवाब सुनिए कि तबई दशरथमा क्या है, बेतुल खला में जाना, पीछे से कोई बताएगा तबई दशरथमा क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, जिस्म का बढ़ना, सेहतमंद होना, ये भी जरूरी है ना। ये कैसे होगा, खाने पीने से होगा, सही गुजर खाओगे तो सेहत होगी, अगर गलत खा लोगे तो बीमार हो जाओगे। अब सर्दी आ गई, गर्म कपड़े नहीं पहनना जब तक के गंदा बुखार ना हो जाए, सुइयां ना लग जाए, मौसम को बुरा भला माँ बाप कहना कह दें कि बहुत मौसम खराब है, मौसम खराब है। हमें हर दफा यहाँ मैंने कहा है कि मौसम को कभी खराब नहीं बोलना, क्या मैं तुमसे मौसम पूछेगा, मैं तुम्हारे बाप का था, मुझे किसने बनाया, मौसम किसने बनाया। ये सर्दी का मौसम खराब है, लाखों रुपए खर्च करके मिल जाते मरी बर्फबारी देखते, और मौसम खुद करवटे लेता हुआ तुम्हारे आगे में ठंड की चादर बिछाते, सादा खून पैदा करता है, अल्लाह को सहायता फरमाए। अब वही उस दीवार से बैठते, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप ही अल्लाह की खबर सुनी थी दुआ कितनी हो। तो तबई नशनुमा जो है जब जिस्मानी जिस्मानी परवरिश जो है वो गिजा से होती है, ये गिजा माँ बाप से अलग होती है, माँ बाप के साथ होती है, माँ बाप ने हाथ पाँव खिलाते हैं कुछ चीज और खिलाते हैं, बोलो यार माँ बाप ने तुम्हें जिस्मानी तौर पर बड़ा करते हैं, अपने हाथ पाँव खिला के करते हैं या बाहर किसी कुछ खिलाते हैं, ठीक है। इसी तरह एक महसूस महसूसात का वजूद होता है, वो तुमको महसूस भी नहीं होता कि तुम कुछ बन रहे होते हो। मसलन एक बच्चा माँ बाप के साथ जिंदगी गुजारता है और माँ बाप की शफकत उसकी परवरिश करती है। अब गौर से सुनना, बहुत डीप बातें, बहुत एहसास हसास बातें। एक बच्चा जिसके माँ बाप हैं वो माँ बाप की गोद में पल रहा है, मोहब्बतों में पल रहा है, उसके एहसास की दुनिया और होती है। और एक बच्चा पैदा हो, पैदा होते उसे माँ मर जाए, दिन बाद बाप मर जाए, अब वो कहीं से कहीं पलता है, उसकी महसूसात की दुनिया और होती है। उसका हिस्सी वजूद उस बच्चे से बड़ा मुख्तलिफ होता है जो माँ बाप की गोद में पलता है, और जो यतीमी की जिंदगी गुजारता है होता वो भी बच्चा है, आपको देखने में वैसे ही हाथ पाँव लगेगा, लेकिन उसके एहसास बहुत मुख्तलिफ होते हैं। एक मिसाल ये देता हूँ कि उस चचा के रहने वाला यतीम, उसका अपना बेटा 10 रुपये मांगता है और जिद करके मांगता है, बल्कि 20 रुपये मांगता है, 50 रुपये की आइसक्रीम, चौथा नहीं अब्बा 50 है तुम दुनिया की, मुझे 50 रुपये चाहिए, मुझे आइसक्रीम दे दिए, और माँ बाप दे देते हैं। और यतीम 10 रुपये भी मांगते वक्त 10 दफा सोचता है कि मांगू कि नहीं मांगू, चचा देंगे कि नहीं देंगे, और फिर वो और शर्मा के कहता है बड़े बू में भुट्टा ले लूं, कितने का है 10 रुपये, 10 रुपये का आगे बाद आ गया 10 रुपये दे दो। तो वो चची बोलती है पैसे नहीं देना, बच्चे पैसों से खराब हो जाते। ये बच्चा भी परवरिश पाता है इस माशरे में, गुर्बत जहां जो मुजरिम भी बना देती है, चोर भी बना देती है, और बास बच्चों को यही गुर्बत यही यतीमी अल्लाह का वली भी बना दे। लेकिन जिस चीज में वली बनाया होता है उस महसूस एहसास के वजूद में बनाया है, सब्जी गोश्त ने नहीं बनाया है, जिस चीजों से फिजिकल डेवलपमेंट हो रही थी उसने नहीं बनाया है, उसके अंदर जो सच्चाई की तरफ थी, अच्छा रहने की कोशिश थी, कोई बातें माँ बाप नहीं है, मैं भी किसी से नहीं मांगूंगा, जो मुझे मिलेगा मैं खा लूंगा, सवाल नहीं करूंगा, भूखा रहूंगा सवाल नहीं करूंगा, 3-3 दिन भूखे रहे अल्लाह अकबर, तो बहुत से आदमी हो गए।
ये मिलते बुजुर्गो, हमने तुमने खुदा की कसम अपना मुस्तकबिल तबाह किया है। ये तुम्हारे सामने कैमरा शायद दुनिया में दिखाया जा रहा है। मैं इस फिल्म में मैंने बोला था आपके आने से पहले कितने बच्चों से मुझे जन्नत किया पहले हमने नहीं सुना। जन्नत क्या नहीं मालूम, दो तो गिरफ्त की बात हो गई नहीं हो गई। मौलाना को बताइए मैंने सुना जन्नत क्या नहीं मालूम, दो तो क्या नहीं मालूम, तो हमने क्या तब्दीलें की है। अल्लाह और फिर ये इतनी मुश्किल बातें भी कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बुजुर्गों की बातें हैं। ये हिस्सी वजूद इसका एहसास दिलाना अगर हमें नहीं बताया जाता तो मैं भी अपने आप को आईने में सारी देख कर अपने आप वजूद में ही समझता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे साथ मेरे साथ आपका एक वजूद है। अच्छाई बुराई की पसंदीदगी और नापसंदीदगी का वजूद है। किसी की नफरत और मोहब्बत को वसूल करना ना वसूल करना अल्लाह होता है। किसी बैठेगी नजर नहीं बैठेगा फूल मत आई नजर। हम भी अभी तक इससे गुजरते हैं, कोई फूल पहनाता है कोई तंज करता हुआ चला जाता है। हम भी यतीमी क्या धुतकारे में लोगों की तरह बातें करते हैं। एक महफिल में जहां ज्यादा इख्तलाफी उलमा मौजूद हो पर मैं अकेला बैठा हूं तो वो मेहमान और इस तरह देखते ये बरेली ये मौका नहीं आता देखते ये वह नहीं था मेरे जीवन में आता नहीं होनी हंसते अल्लाह को। और हम जो अक्सरियत के उसमें है ना हमें बड़े अजीब एहसास से गुजरना पड़ता। आज मुझे इतनी तकलीफ हुई मैं नमाज अदा मिश्री शरीफ हुआ तो वे बुजुर्ग थे खुद अपनी जगह लेकिन तबादल के साल बहुत था सैयद थे और फखरी थे शाफाकत साहब के सिले से थे जो इस पाकिस्तान हिंदुस्तान में सारे इश्क की आग उन्होंने लगाई या नूर मोहम्मद मालवी साहब ने निकाले या नियाज अहमद बरेलवी ने निकाले उनके सिलसिले से थे। जब नमाज के लिए हाजिर हुए अब उससे साहब ने कहा भी कि आप आगे हो जाइए कि मैंने कहा नहीं इसमें वली की इजाजत जरूरी होती है बेटे की वारिस इजाजत होती है। अब थोड़ी देर बाद जो आके एक और साहब आके खड़े हो अल्लाह अकबर खैर मैंने तकबीर पहले के अपने आप को निकाल लिया लेकिन एक बात बताओ कि सारी जिंदगी जो सुननी रहा छठी करके एक साल बाद रात फाजा साहब बहुत जईफ हो गए थे उसी दिन भी लगी हुई थी लेकिन हफ्ते के बाद उन्हें फाजा साहब की फातिहा थी छठी की महफिल की सुबह फैल के और साल हो गया अब साल हो गया तो जाहिर है पहले के लोग ये लोग वो लोग जो भी थे अब उसमें जाहिर है कि आपको यकीन मानिए आप पहले सुबह जमात सोए में ज़्यादा तादाद उन लोगों की हो गई है जो फातह दरूद के कायल नहीं है इसारे सवाब के कायल नहीं है नमाज और दुआ के कायल नहीं है पैदा नमाज उन्होंने पढ़े लेकिन ये भी शुक्र है कि कुछ सुन लिया है ज़्यादा अगर अल्लाह भाई दा दुआ कर दी वरना तो दुआ भी नहीं करते फिर मैं भी आगे बढ़ा तो मैंने हवाला दिया कि इमाम सिबरानी की मौजब में ये हदीस मौजूद है कि उसने फरमाया फैजा सल्लैत तो अलल मैयत फखलसु फखलसु लहु दुआ जब मैयत पे नमाज पढ़ लो तो दुआ के साथ उसे करो। तो हम मौलवी भी खड़े सुनते रहे मैंने कहा ये कहते नहीं ये कहीं नहीं है दुआ नमाज अदाने के बाद दुआ नहीं फिर मैंने दुआ मांगी तो फिर सारे वसीले भी उनके बुजुर्गों का भी जिक्र दिया सब कुछ मेरे मामे जान आते हैं अल्लाह ताला उनकी सुनत अदा करते रहे और अपनी मुनाजात में सारी बात कह देते थे तो मैंने भी सारी दुआ में कि जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा अल्लाह तो पता इतनी नस्बत थी मरने से पहले शाम को छठी की बातें थी वो तो अपना काम कर रहे लेकिन मैं और आप इस माहौल में ना जालिमान हमारी गलियों में घुस गए और अपने बच्चों को सही तरबियत सही मदरसे में नहीं डालते हैं। अरे भाई मदनी चैनल ही दिखाओ बच्चों को नमाज से लेके दाव इफ्ता तक फतवों तक आलमी सतह पे ये दाव इस्लामी का चैनल काम कर रहा है क्यों नहीं उसको देखते हो क्यों नहीं अपने बच्चों को दिखाते या इन बच्चों को खुद देखे कभी बैठिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है तबई वजूद जो है जिस्मानी वजूद ये तो बढ़ जाएगा लेकिन जो एहसास की दुनिया बढ़ेगी उसमें कभी रूहानियत नूरानियत नहीं आएगी। अगर आएगी तो बदमाशी आएगी लड़ाई आएगी फाइटिंग आएगी झूठ आएगा वो बहुत जरूरी है। और मैं क्या बताऊँ इस बात को इसी रूहानियत के साथ उनको पता नहीं है
कि इंसान फिर इतना इतना अच्छा हो जाता है, जिस्मानी तौर पे नहीं बहुत अच्छा होता, भले कमजोर भी, बीमार भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बहुत हसीना जमीन होता है, नहीं भी हो सकता है, आम जगह का आदमी हो सकता है। लेकिन बच्चों, एक बच्चा सच बोलते बोलते, बुराई से बचते बचते, लोगों से मोहब्बत करते करते, लोगों के साथ अच्छे काम करते, उसने अल्लाह के साथ ऐसा अच्छा बन जाता है कि उसकी सोबत बैठता है, उसके महसूसात दूसरे को भी अच्छा बना देते हैं। जवाहे लतीफा मुंतकिल होते हैं, जिस्मानी तौर पे भी होते हैं, जिस्मानी तौर पे भी होते हैं, महसूस नहीं होता, गैर मरई तौर पर एक बुजुर्ग अल्लाह वाले की सोबत में आदमी बैठता है, सिर्फ बैठा भी रहे ना तो उसकी उसकी शख्सियत का फैजान बैठे वालों पे पड़ता है, अल्लाह अकबर, और इतना पड़ता है कि फिर अगर वो अल्लाह के वली हो तो मस्जिद में हो और मगरिब में चादर खुल जाए तो वस्ता फरमाते बैठा आगे रहता मेरा मरीद मेरे मस्जिद में हो और मेरा मरीद मगरिब में हो तो अगर उसकी चादर खुल जाए तो मस्जिद दान देता, ये सीख होता है ना। तो बहरहाल सूरह नूर में बड़ी दुलारी बातें हैं, नफ्स इधर तो मोमिन से इदाशा सिद्दीका तरह की ताकत का जिक्र है, उसके बाद उन्हीं के साय में मेरे लिए ये जुमला मेरे लिए अपने सुनाने के लिए बहुत काफ़ी है कि उसी सूरह नूर में अल्लाह ने आगे बढ़कर है और तो तवज्जो सुनो, या तो ये सुनो कि औरतों के पर्दे की बात की है और गरीबानों को चादर से ढांपने की बात की है, जलाबीन अदा है, जयूबीन का है, तो अपने गरीबानों को दुपट्टे से ढांकर करो। मैं कहता हूँ कितनी प्यारी बात है कि जिस सूरत में उम्र मोमिनीन का जिक्र किया है उसी में मोमिनात का भी जिक्र किया है। अल्लाह ईमान कुर्बान जाओ अपने रब के, कि जिस सूरत में उम्र मोमिनीन की तहारत से जिक्र किया अल्लाह अकबर, उसी में आगे चलकर ईमान वाली औरतों को भी कुछ आदाब सिखाए। अल्लाह अकबर, ये बड़ी शान है ईमान वाली औरतों, अल्लाह अकबर, और इसी में अल्लाह ने सबको बुलाया है तू बोलिए, और इसी में जो हमारे एक बड़े इतना फसाद का सबब एक मसला यूरोपों में हो गया खिलाफत का, उसका भी जिक्र इसमें है, आयात इस्तिक्लाल भी सूरह नूर में है, अल्लाह किनको खिलाफत देगा, सूरह नूर में उसका जिक्र है। ये बड़ी अजीम सूरत है, इसे पढ़िए और अपने अपनी बेटियों को, अपनी घर वाली खवातीन को सूरह नूर तर्जुमे से पढ़ने और उस पर रग़बत रखने की आप तरगीब दिलाइए। अल्लाह ताला हमारे इस इज्तिमा को कबूल फरमाए, और मज़ा तो जब है कि वैसे भी एक घंटा तो हो ही गया मुझे बोलते हुए, लेकिन वक्त पैमाने भी सोचो तो मुख्तसर नहीं, टाइम तो काफ़ी हो गया और मेरी तबीयत बहुत खराब है, बच्चों से सीखते हैं ना, कम पढ़े लिखे से भी सीख लेते, तो
तो मैं अपनी इस्लाह की खातिर यहाँ हाजिर होता हूँ और आज उम्मीद करता हूँ कि मेरी जिंदगी में ये बात मेरे पता चल गई अल्लाह को मेरी बुलाने के लिए बहुत काफ़ी है कि जिस मस्जिद में सालों जाता रहा तब तक अपना साथ बयान किया गलियों में चीख चिल्लाहट के साथ नारे लगे वहाँ के बच्चों से पूछ रहा हूँ कि जन्नत क्या है सुना है जन्नत पर नहीं दोजख का सुना है नहीं पता अल्लाह आइंदा कोई पूछे ना जन्नत क्या है कह देना बाप और दोजख तो जहां तुम बहुत सारे नाम कोई दोजख क्या है कहना आप अल्लाह अकबर और फिर अपने पास अपने आप से पूछना बैठ के सोचना कि बाप में जाना चाहिए क्या आग में जाना चाहिए बाप में जाना चाहिए ईमान हमारे सारे तौबा ये अल्लाह का फजल है अगर अल्लाह का फजल होता तो हम एक ही हालत में रहते जी लेकिन अल्लाह ताला ने ये हमें मौका दिया है हमें भी तौबा का मौका दिया हमें हमारी पर्दापोशी की है और अच्छी सोहबतों में मौका दिया लेकिन हम भी मैं डरता हूँ कि आखिर अच्छा होना मुझे क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है मुश्किल बात बहुत इंसान अपने बारे में ऐसा अच्छा गुमान कर लेता है तो ठीक हो गया और आखिरी उदू अफरा उनकी बात है कुछ तो कब करें कि ईद के दिन कुछ तालब इम गए और ताज़त ईद पर शेर लिख दीजिए ईद मुबारक का शेर हम दोस्तों को देंगे तो जो आपने शेर लिखा उसका मफहूम यह था कि आज ईद है जो खुशियाँ मना रहे हैं और मैं ईद उस दिन मनाऊँगा मेरी ईद का दिन वो होगा जिस दिन मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए फातिमा ईमान पर होना बहुत बड़ी बात है अल्लाह ताला हम सबको ईमान सलामत रखे आज मेरे वालिद की भी तारीख है तो आप लोग बात की दवाएँ सच्चाई से जानते हैं कि मैंने अक्सर दिनों में अपने वालिद की बातों को कोट किया है वो आदमी नहीं थे सादा से आदमी थे बहुत कम पढ़े लिखे थे बहुत गरीब थे लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सरमाया दार अगर कोई था तो मेरा बाप था जिसने मुझे पढ़ाया जी पहले वाले कहते थे कि हमजा को पढ़ने क्यों भेजते हो काम पे भेज दो तो नसीब को दो रुपये दो जाएगा तुम्हारी भी मदद हो जाएगी तो अब्बा कहते थे देखो मुझसे सब कुछ कहना ये नहीं कहना मैं भूखता रहूँगा लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा मैं मतलब तीन तीन आदि ने हमका तीन तीन काम किए रात को अखबार भेजते थे ढाई तीन बजे मतलब आसान नहीं है मेरा कहना आसान है लेकिन यकीन माने बारिशें हो रही हों सख्त बारिशें तूफान उस जमाने में अखबार का इंतजार ज़्यादा शदीद हो जाता है लोगों को अभी तक नहीं आया अखबार वाला अभी तक नहीं आया अल्लाह अकबर ढाई तीन बजे रात को वो घोड़े से निकलते थे मुझे सिर्फ इतना कहते थे हमला दरवाज़ा बंद कर दो आप यकीन माने बदतर बिस्तर से दरवाजे तक आना मुश्किल हो जाते नींद टूटे भिकुंडी लगाएं लेकिन मेरा बाप उस हालत में साइकिल पे प्लास्टिक डाले हुए प्लास्टिक घोड़े हुए अखबार लेना उधर क्योंकि वो वक्त पेशा पर वो थे काम तो था नहीं तो किसी ने जेकर मैं जब रहते थे तो कोई जानने वाले सदर में थे कोई जानने वाले सोसाइटी में थे तो यही थे तो कहते हैं शाह नसीब भाई एक अखबार मेरे यहाँ डाल देना तो कहता अब एक अखबार के सदर जा रहे हैं एक के लिए सोसाइटी जा रहे जाने वाले के लेंगे ना अल्लाह बोल रहा है वहां से आए तो सरकारी दफ्तर पहुंचते थके हुए लोग कहते हैं नसीब आए पता है आज उसने ये बहुत समझा तो मजाकर कहते थे मैंने तो यार आज मैं इन सबको बेच के आया हूँ ये नहीं कहते अखबार बेच के आया कहते तुम जी लीडरों की बात कर रहा हूँ मैं सबको बेच के आया हूँ फिर बड़े भाई के दुकान पे काम करते थे लोग उफो पेशाब को मुझे लेके स्कूल से मदरसे से आते थे साइकिल बैठा हुआ गाड़ियों वाले ओवरटेक करते थे मैं कहता भाई हमारी भी कभी गाड़ी होगी हमारा भी कभी अपना मकान होगा तो अब्बा कहते बेटा तुम पढ़ते रहो ये वक्त तुम्हारा पढ़ने का है तुम पढ़ते रहे तो मकान भी अपना हो जाएगा और गाड़ी भी हो जाएगी और अगर तुमने पढ़ा नहीं तो कभी ना गाड़ी होगी और बड़ी हिम्मत से शेर पढ़ते थे फिक्र करूँ मैं फिक्र करूँगा तो परेशान हो जाऊँ
ये महफिल है और फला अल्लाह वाले की खिदमत कराना। देखो एक बात याद रखना, जिस रास्ते चलोगे उसी रास्ते के नदी और पुल आ जाएंगे। अगर महफिलों में रहोगे तो महफिल वाले मिलते रहेंगे। जिस रास्ते चलोगे उसी रास्ते के नदी पुल आएंगे। माशी जिंदगी में उनका एक जुमला मेरे लिए बड़ी रहनुमाई करता रहा कि बेटा एक बात याद रखना, कभी धन जला कभी मुट्ठी चला कभी वो भी मना। जिंदगी में कभी बहुत पैसे होते हैं, धन जला होता है, कभी मुट्ठी चला होता है और कभी रहमत इंतजार होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हिम्मत नहीं है सर तो, लेकिन तुम लोगों को कह रहा बच्चों मौसम बदलते रहते हैं, ठीक है, नौकरियां छूटती लगती रहती है, कारखाने बदलते रहते हैं, लेकिन वो ये फरमाते थे कि ये हाथ बदलते हैं वो हाथ नहीं बदलता है। उस पर वो मालिक तो वो है, वो तो मालिक तो असल में अल्लाह है, और यहाँ बदल भी देता है इसलिए कि तुम ये ना समझो मुझे ये देता है। अल्लाह अकबर, मैं इस कारखाने की नौकरी की वजह से कमा रहा हूँ, तो मालिक को बदल देता है, मालिक को बदल देता है कि तुम समझो कसम देने वाला कौन है। बहुत सारी बातें हैं और इस साल से पहले मुझे बहुत फख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सालियत कहता हूँ कि मिसाल से पहले जो चंद बातें घर में की थी, फरमाया कि लोग बड़े बाप के बेटे होते हैं और मैं एक बड़े बेटे का बाप हूँ। लोग होते हैं बड़े बापों के बेटे, लेकिन मैं एक बड़े बेटे का बाप हूँ। और बात को जो बिल्कुल मिसाल के रहा बात कही, मैं देखो मखलूक से उम्मीद नहीं करना, मखलूक से उम्मीद नहीं करना। मखलूक से जिसने उम्मीद की वो मायूस होता है, जिसने खालिक से उम्मीद की वो कभी महरूम नहीं रहता। इतवार का दिन था, 63 साल जिंदगी में मांगते रहे मुझसे, 63 साल हुए थे, इतवार का दिन था, हार्ट अटैक हुआ, जुदू करने लगे, छोटे भाई ने कहा ठीक है अब्बा जल्दी चलिए आपको हार्ट अटैक हुआ, मैंने कहा बेटा वो जुदू कर लूँ पता नहीं फिर मुझे मौका मिलेगा नहीं। हॉस्पिटल गए तो गिर गए बिस्तर पर, बताहिर गिर गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने सजदा किया, जब पलट के देखा तो लोग परवास कर चुके थे। तो ये आप लोगों में से, आप ही लोगों में से एक आदमी थे ना, ये भी किसी बहुत बड़े सियासी तजारती और बैकग्राउंड वाले आदमी को नहीं मानकर एक आम आदमी थे, हिजरत की उन्होंने और उसमें भी अजीब अजीब नक्शे के मुसलमानों के लिए, तो उस सीना सफर थे और हिफाजत करते हुए काफलों को लाए। और ये भी था रवादारी, एक उनके हाथ में निशान था, तलवार एक लगी थी और वो बड़े मजाक से भी समझाते थे अगर तलवार के सामने भी हाथ करना पड़ जाए तो कभी यूं नहीं करना, हाथ कट जाएगा, यूं करना, आड़ा वार करना चाहिए। एक हिंदू को एक शख्स मारता था तो मेरे अब्बा ने अपना हाथ आके कर दिया, यहाँ से यहाँ तक उनका हाथ कट गया था हिंदू को। और इसीलिए मैं अब कहता हूँ ये जो पाकिस्तान अल्लाह ने हमें नेमत दी है, इसलिए उन्होंने मेहनत की है। तो एक तरफ वो लोग हैं बच्चों, तुम तवज्जो सुनो, मुझे तुम्हारा बेन माशाल्लाह है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इस्लाम नाफे नहीं हो सकता असलहे के बगैर, मुसलह जद्दोजहद होना चाहिए, कला शकों होनी चाहिए, जो कुछ बोला है आपको पता है, शुक्र है कि अब कम है, लेकिन मैं तो करता हूँ ये बोल के भी कि अभी इक्का दुक्का कैसे तो हो रहे हैं ना बोलेंगी मुझे अल्लाह अकबर। तो वो समझते हैं कि शायद हम असल है कि दूर दूर इस्लाम नाफिज कर लेंगे, लेकिन मैं ही कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर हमको कुर्बानी दी, बड़े सगीर पाक और हिंद के मुसलमानों को सलाम हो, 32-36 40 करोड़ 47 मुल्क बन गया इस 6-7 साल में। एक बात याद रखो बच्चों, किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान के मुंह पे थप्पड़ भी नहीं मारा और इतना बड़ा मुल्क बना दिया। किसी मुसलमान पाकिस्तान की तहरीक में किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान को मारा नहीं और इतना बड़ा मुल्क बना दिया, अल्लाह अकबर। तो हम इस मुल्क को इस्लामी नहीं बना सकते, इसका रशक वो जरूरी है। अल्लाह मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ
लेकिन हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि जहां हजरत की दाढ़ियां रखवाई गई थी वहां नाइयों को मारा गया था, वहां नाई ढूंढ रहे हैं और नाई मिल नहीं रहे। इस ऑपरेशन के बाद अब बाल काटने वाले इनको नहीं मिल रहे, अल्लाह क्योंकि अपने हुलियत पहचाने जा रहे। एक वक्त तो सबको कत्ल किया अल्लाह, अब ढूंढ रहे कोई मिल जाए तो जरा बाल सही नहीं कर दे। अल्लाह तो अल्लाह ताला हमें मसलक के हमें इस जमात पे इस्तेमाल का फरमाए। ये महीना एक ऐसी हस्ती की यादगारी है जिन्होंने इसी दौर में, मैं तो बिल्कुल दूसरी तरफ से देखता हूँ, 1857 में मुसलमान और हिंदू पर खत्म होने वाली थी बाजू का सफर, नाम तो सुना होगा कि आखिरी बादशाह थे मुगल, सुनी थे माफी थे पक्के सुन्नी चिश्ती निजामी थे, चिश्ती थे अल्लाह को, ये भी शाह मगर साहब की मुरीद थे, बादशाह उनके कह दे मुरीद होने के लिए। शाह मगर साहब क्या बात थी, बादशाह मुरीद होने आया तो बड़ा इंतमाम कर धर जाओ उठा उठा भाई बादशाह आ गया और आपको बहुत मजा आता है नजर में, क्या देख कर कहा नफर अच्छा हुआ आ गए, तुम्हारी दुनिया तो खत्म हो गई है लेकिन आखिरत बन जाएगी। बादशाह को कह रहे बादशाह कह रहे तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई लेकिन तुम्हारी आखिरत बन गई है। सारे मुगल बादशाहों में वाहिद बहादुर शाह जफर है कि जिनके मदार पे रंगून में चादरें चलती फातिहा होती है चादरें चलती है, मुरीद हो गए अल्लाह हु अकबर। 1857 में आजादी मतलब मुसलमानों की हुकूमत हो गई अंग्रेजों की आई, लेकिन अल्लाह ताला ने 1857 से एक साल पहले एक ऐसा बच्चा इंडिया में भेज दिया जिसने बड़े होकर इस्लाम की ईमान की इबादत फरमाई और वो कौन थे, मौलाना अहमद रजा खान साहब अल्लाह अकबर। वो फिर ऐसी हुकूमत कर गए कि दिलों में उनकी हुकूमत है, मस्जिदों में उनका जिक्र है, मदरसों में है, महफिलों में है, इधर देखिए अहमद अल्लाह अकबर है, यहाँ भी सलाम पढ़ा जाएगा, मदीने शरीफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी का शर्फ मिला है, चुपके चुपके जा के इस्लाम पढ़ा जा रहा होता है तो मुस्तफा जाने रहमत में रहमत अल्लाह। तो इसी जो अकीदे में रहना जब एक दिन जाते हो वहाँ से नमाज पढ़ने तो सलाम के बगैर नहीं आना, जुमे के दिन ऐसे मस्जिद में जाओ मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं जाओ तो उसका नतीजा तो वही होगा, तो ऐसी मस्जिद में जाना जहाँ जुमे के दिन सलाम पढ़ा जाता हो, और फिर ये नहीं कि नमाज पढ़िए तो आप खेलते हुए आ गए, नमाज भी पढ़ो और सलाम सलाम में भी शामिल हो। जुमे के दिन दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना, सलाम सलाम में शामिल होना और फिर आला हजरत का सलाम, आला हजरत का तरतीब किया हुआ वो दुरूद शरीफ दुरूद रज़िया जो है, ये इसका मेरा अपना भी बड़ा मुशाहिदा है कि 5 जुमे कोई 1000 बार पढ़ ले या जुमे के बाद 100 बार लेकिन 1000 बार आपको पढ़े तो इंशाअल्लाह वो बहुत अच्छे मनाज़िर देख लेगा। लेकिन सलातो सलाम में शामिल हुआ करें, आप लोगों से भी कहता बहुत मसरूफ होते हैं बस नमाज दरवाजे पे नमाज पढ़ी क्यों आगे आते हैं वापस भी निकलना है दुकान छोड़ के आए हो, मतलब तो ऐसा ना करो, जब मैं कहते अपने अहले जमात की मस्जिदों में जाओ उनका बयान सुनो जी हाँ, यहाँ तो महाना मुलाकात होती है हर जुमे को हमारे मौलाना कलाम जब बयान करते हैं वो सुनिए और नमाज पढ़िए और सलातो सलाम पढ़कर वापस लौटा करें। सरकार ने फरमाया कि सलाम को आम करो सलामती में रहोगे, बच्चों आपस में मिलो सलाम करो, ये हमारे लिए फरमाए कि सलाम को आम करो सलामती में रहोगे, तो जो हम आपस में सलाम करें तो सलामती रहे, तो हुजूर पे सलाम भेजे तो कैसी सलामती नसीब होगी। सुभान अल्लाह रब्बे इज्जते अम्मा सिफून व सलाम सलीम अल्हम्दुलिल्लाह। आइए सब इंतजाम करते हैं।
मुस्तफा जाने फरमाए तो मुख्तसर पढ़ना भी
अल्लाह हमारे लिए बहुत है। रिज़वानु मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह फरमाए मेरी छोटी सी फिरदा किसी को मिल जाए उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अभी शामिल हो जाते एक दफ़ा हम शहीद तीन दफ़ा खुलाशी पहली दफ़ा उदमिल्ला फिर बिस्मिल्ला के साथ बच्चों आज हम तो शहीद तो आती होगी आती होगी ना पढ़ जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं पढ़ेगा। इसमें मिलकर दवा अल्लाह शीरीन की तकसीम हो या दुनिया की तकसीम हो कबूल फरमा कर सबसे पहले तेरा शुक्र है जो नेकी हुई तेरे फ़ज़्ल व करम से अश्कुल्लाहि अला नशकुर या अल्लाह तेरे सल्लम के तत्व वसीले जो कुछ मिला है खैर वो साहब है औसर है वो खैर कसीर के मालिक और कासिम है जज़ल्लाहु नसीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों का भी फैज हम तक पहुँचा है बच्चों। अच्छा नबियों कुरान में जो दुआएं नबियों की तो हम तक पहुँची है ना नबियों को भी हमारे सवाब पहुँचे और ये अल्लाह पीरान इस्लाम जमी उम्मत मुस्तफा सलम हाजिर के पीरान इस्लाम अल्लाह को जानता है किसके हाथों में किसके हाथों में तौबा की है हमारी तो मकबूल फरमाए उससे पहले सब बहुत अच्छे हैं सैयद सिद्दीक अल्लाह से लेके जो ताल्लुक मौला अली से ताल्लुक उस पास से मिले जिस साहब का कादिर चिश्ती अस्करवती और बोलो चल गया हमारे के नाजाम शब्द पहुँचे इन दिन से हम शब्द साहब मतलब उसके ऊंचाई बस में से मैं साहब उम्र में साहब मेरे वाले मस्जिद में पीर दिलाए मेरे वाले का सबसे बड़ा एहसान यह है कि मुझे उन्होंने कुछ बचपन कुछ नौजवानी के अलग में मुनीद करा दिया उनका यह एहसान और मेरे बड़े बड़े लोग जिन्होंने फिर मुझे खिदमत की मेरे माँ बाप के स्वभाव में आपके वादे जिनका विशाल उनके पास जो हयात है सेहत तो आपके साथ तवील था आमीन आमीन बस माँ बाप को अपने बच्चों की तरबियत की सच्ची फिक्र दे दे आमीन खाने पीने की फिक्र है तालीम की फिक्र हो उस तरह तालीम सिखाते हैं तहजीब भी सिखाए आमीन बच्चों तो खुद ही खुद भी सोच लो अच्छा कि गाली नहीं देंगे लड़ेंगे नहीं अपने आप खाम खा बहादुर डरपोक साबित करना बहादुर साबित है बहादुर महात्मा फिर से खाए इस्लाम की बात आ जाए इज्जत की बात आ जाए ईमान की बात आए वहाँ बहादुरी हो ये नहीं कि चलते फिरते अच्छा आपके भी कोई बीमार होता सेहत साफ करवाए दादा साफ हो सकते जी रही से माफी सेहत या कुछ कहना चाह रहे जल्दी बोलिए अच्छा आपकी बहन आशा खातून बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए आमीन मुझे भी अल्लाह सेहत अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन 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 सेहत अता फरमाए जिंदगी की तौफीक नसीब हो या अल्लाह मेरी बातें तेरे प्यारे हबीब को तेरे दोस्तों की बात तेरे बंदों तक पहुंचा आमीन बहन मैं कितना अल्लाह पाक और कबूल हो आमीन सबको अज़ाब की ज़िंदगी में कबूल फरमाए नमाज़ी बना दे अल्लाह बादशाह साहब मिला सह काफियत है हमारे इमरान भाई यहाँ भी और जहाँ मरीर में मस्जिद है वहाँ भी बड़े सदमा से अदा कर रहे हैं अल्लाह ताला की खिदमत कबूल फरमाए आमीन सुकून अलैहि सलाम जहाँ तक की जाए दावस्तान में मैं दफन करता हूँ आमीन निशान भाई के एरिया को अल्लाह मुकम्मल सेहत आमीन आमीन होता है अगर जब उम्मत मांगते हैं तो चश्मा लगता ही है आंखों का दाखिल होता है लेकिन अल्लाह जिंदगी दे आमीन और अब जल्दी बच्चों की खुशियां दिखाए दादा हम सबको अपने औलाद की अल्लाह की खुशियां दे आमीन 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 को अल्लाह कबूल फरमाए आमीन अल्लाह बना फिर फिर दुनिया ऐसा और फिर आखिरत और अल्लाह पाकिस्तान की आमीन सुम्मा आमीन आमीन मदीन तैयबा की हाफिज नसीब आमीन आमीन और जब तक मदीन तैयबा नहीं जा पाते फैजान मदीना जाना नसीब हो जाए आमीन जब तक बैतुल शरीफ का
काबे की ज्यादात करते हुए नमाज पढ़ना नसीब ना हो, तो कम से कम मस्जिद में नमाज पढ़ना आमीन। अल्लाह हम सबको नमाजी बनाता। अब भी किसी की कोई तमन्ना हो, अपने अपने मसाइल होते हैं, किसी का कर्ज होगा आपके पास, तो खामोशी से बच्चों माँ बाप से पैसे मांगते हैं। आज चुपके दो बार पा गए, कहाँ चले गए थे तुम? किसी मैंने बहुत अच्छा सुन गया, माशाल्लाह कान बोलते हैं। जब मैंने ढूंढा कहाँ ही कहाँ, मेरे यहाँ आ गए थे, बाहर ही बैठे थे। अच्छा बाल ऐसे थे, अब भी बाहर बैठे रहते। तो सुन के आ जाए कर भाई, अल्लाह पर गनीमत जानी है मिल बैठने को। कयामत की घड़ी सर पे, जुदाई की घड़ी सर घड़ी खड़ी। ये दारुल फरार है, दारुल फरार नहीं है। चल चला हो आज हमें गर्दी होंगे, अच्छा तमाम मतलब बच्चों तुमसे ये कह रहा था कि माँ बाप से मांगते हो ना, चुपके से अल्लाह से अपने माँ बाप के लिए मांग लो, खामोशी से चुप हो जाओ, दिल से मांगो, दिल से मांगो, दिल से जिसको भी जो मुराद है वो दिल से मांगे या अल्लाह। इनको दादा साहब जाना है, मैंने मुसावा किया है, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन जो कुछ आए तो और भी मुलाकात ज्यादा सफर कर सकता है। जब दमे वापसी में आना तब भी बता।